should go for lasses, बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरा बरबराना खत्म हो गया है अभी. तो अगर आप में से अभी कोई सोच रहे हो कि कितना बकती है भाई, यही टाइम है, भाग जाओ. वेलकम बैक टू माई चैनल. तो आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो. आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मेरी फेवरेट मेकअप. आपको अपने बजट के हिसाब से कई सारे प्रोडक्ट के ऑप्शन मिल जाएगी. आप जानना चाहते हो कि इंडियन मार्केट से कौन कौन से मेकअप क्यों मेरी फेवरेट है फ्रॉम द ईयर 2018, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें. करूंगी वो है प्राइमर है. आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड इन द ईयर 2018 और वो है इनसाइट प्राइमर. आप ही लोगों ने मुझे ये प्राइमर को रेकमेंड किया था और अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जस्ट फिल अप योर पोर्स एंड लास्ट योर मेकअप फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम. फील्स एग्जैक्टली लाइक द कलर बार प्राइमर गाइस. It is not drying. It feels slightly hydrating. It's very smooth and it glides out so beautifully. And this is definitely one of the most best and affordable primer I have digged in the year 2018. 2018 में बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फाउंडेशन लॉन्च हुआ है मार्केट में. फाउंडेशन मुझे मिला है इन द ईयर 2018 जो बिल्कुल फिट मी की तरह मेरे स्किन के ऊपर काम करता है. एंड दैट विल बी द नन अदर बट द वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन. इज रियली रियली गुड इन टर्म्स ऑफ कवरेज एंड ब्लेंडिंग आउट. इसमें एक स्पैचुला भी होता है जिससे आप आसानी से फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो. बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं होता है. अगर आप मेरे तरह फोटो खींचना सेल्फी खींचना पसंद करते हो तो दिस फाउंडेशन डू नॉट रिफ्लेक्ट बैक. वैसे तो मेबलिन का सुपरस्टे फाउंडेशन भी लॉन्च इसी साल में हुआ है, पर अगर मैं प्राइस रेंज का बात बोलूं तो मुझे वेट एंड वाइल्ड वाला ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आपका जो कलर है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है फोटो पे. प्लस इसका प्राइस भी मेबलिन के हिसाब से काफी कम है. फाउंडेशन की बारी आती है कंसीलर की और कंसीलर में 2018 में मेरी सबसे फेवरेट कंसीलर रही है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन कंसीलर. दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट फुल कवरेज ड्रग स्टोर कंसीलर आई हैव एवर फाउंड. बहुत सारे शेड्स है लाइट से लेके डीपर तक और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है, अच्छा कवरेज क्रिएट करता है आपके स्किन पे. एंड वॉट मोर यू वॉन्ट फ्रॉम अ कंसीलर विच इज प्राइस विद इन 650. एक पाउडर का नाम आंख मूंद के बोलने वाली हूँ और अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया है तो वो है मेबलिन का फिट मी पाउडर. मैंने इस पाउडर का इंतजार बहुत किया है टू लॉन्च इन इंडिया. मैंने इसको यूज किया एंड ट्रस्ट मी दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड पाउडर. अगर आप ड्राई स्किन से हो और अगर आपको लगता है कि पाउडर आपके स्किन को ड्राई बनाती है तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हो टू सेट योर कंसीलर, गो फॉर दिस वन क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है. ये एकदम दूसरे पाउडर की तरह आपके स्किन को खाली मैदान जैसे सूखा नहीं बना देगा. दिस विल स्टिल हैव अ बिट ऑफ मॉइस्चर इनटू इट ऑन टू योर स्किन. ये ऑफकोर्स आपके स्किन को मैट बनाएगा क्योंकि पाउडर का काम तो मैट बनाना ही होता है, पर हाँ ये ओवर ड्राई नहीं करेगा आपके स्किन को. अ गुड पाउडर विच सेट्स quickly last your makeup longer and definitely gives you a very beautiful and comfortable matte finish throughout the day. I highly recommend this one. बहुत अच्छा quantity में मिलता है और 2-3 shade में available भी है इंडिया में, तो आप अपने skin tone के हिसाब से जरूर इसमें से pick कर सकते हो. बात करूंगी फाइनली एक मेकअप फिक्सर के बारे में और वो है ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर. ये 2018 में लॉन्च हुआ था एंड दिस इज प्रोबेबली अ वेरी वेरी गुड मेकअप फिक्सर. अगर आपको पैराबेन फ्री लॉन्ग लास्टिंग कोई मेकअप फिक्सर चाहिए then this is the baby to go for. आपका vitamin E, vitamin B5 और aloe vera जैसे goodness मौजूद है. इससे आपके skin hydrated रहेगा और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के साथ साथ ये आपके स्किन को भी निश्चित रखेगा. और लगभग 115 ml और प्रोडक्ट मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 300 rupees के अंदर. बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थी इस ईयर में इस मेकअप फिक्सर को लेके. दिस इज द रीजन व्हाई आई इंक्लूडेड दिस इन दिस टॉप फेवरेट लिस्ट ऑफ 2018. मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2018 का मेरे कुछ फेवरेट आई शेडो पैलेट्स, कुछ फेस पैलेट्स, कुछ लिप पैलेट्स. सबसे पहले मैं शुरू करूंगी सबसे सस्ता पैलेट के साथ, वो है आपका SFR का मैट पैलेट. इस पैलेट को मैंने ज्योति जिया स्टोर से लिया था और इस पैलेट का प्राइस लगभग 200-250 rupees के अंदर है. उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं है. एग्जैक्ट प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. या नाउ ये जो पैलेट है ना, इसका पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. एकदम खूबसूरत सा पिगमेंटेशन है. अगर आपको न्यूट्रल कलर्स मैट कलर्स पसंद है, आपको ज्यादा डीप शेड पसंद नहीं है, आप ज्यादा आई शेडो पसंद
पहनते नहीं हो, बहुत ही ओकेजनली पहनते हो, लाइट पहनते हो, तो दिस इज द परफेक्ट न्यूट्रल पैलेट फॉर यू. इससे सस्ता, इससे अच्छा न्यूट्रल पैलेट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा. अगर मिल गया ना तो आप मुझसे मिलिएगा और मुझे बताइएगा कि देखिए पायल मुझे मिल गया है इससे अच्छा पैलेट, क्योंकि फिर मैं भी उसे ट्राई करूंगी. इसीलिए बहुत ही सॉफ्टली मिल्टेड कलर है, वेरी वेरी पिगमेंटेड. मैंने ये सब पैलेट लेके बहुत सारे मेकअप लुक क्रिएट किया है, बनाया है, इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है इवन. सो यू नो दैट आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, यू नो हाउ दिस पैलेट वर्क. दूसरा पैलेट के बारे में जो मैं बात करूंगी वो है एक नया एडिशन जो मैंने 2018 के लास्ट में खरीदा है ड्यूरिंग माय बर्थडे, और वो है मेरा मेकअप रेवोल्यूशन का रिलोडेड आइकॉनिक डिविजन पैलेट. ये पैलेट जो है एकदम जो एनेस्थेसिया का सब कल्चर पैलेट है उसका ड्यूप है, क्योंकि सारे कलर्स एकदम सेम है. अगर आपको 4000 रुपए एनेस्थेसिया पैलेट में इन्वेस्ट नहीं करनी है तो आप इसको ले सकते हो. ऊपर से मुझे लगता है ये पैलेट का जो ब्लेंडिंग कैपेबिलिटी है जो अच्छा है, क्योंकि सब कल्चर पैलेट है उसके कई सारे रिव्यूज देखे और मैंने सुना है कि उसका जो कलर्स है ब्लेंड करने में बहुत दिक्कत होता है एंड दे हैव लाइक लॉट ऑफ किकबैक्स. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, दिस पैलेट हियर, दिस इज ब्यूटिफुली पिगमेंटेड, ब्यूटिफुली सॉफ्टली मिल्टेड, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड इन होता है. बस ये जो ग्लिटर वाला एक दो शेड है उसमें थोड़ा सा किकबैक्स है क्योंकि वो लूज ग्लिटर है. अगर आपको एक वार्म टोन में पैलेट चाहिए जिसमें यू नो मरून, ब्राउन, गोल्ड, कॉपर जैसे शेड हो, किसी भी पार्टी और ओकेजन या फिर डे टू डे लाइफ के लिए अच्छा हो, देन यू शुड गो फॉर दिस वन. जिस पैलेट के बारे में मैं बात करूंगी वो है फोकैलियर का ट्रॉपिकल वेकेशन पैलेट. फोकैलियर का प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, फोकैलियर की वेबसाइट में मिल जाएगी या अमेजन में मिल जाएगा. तो फोकैलियर का जो ट्रॉपिकल वेकेशन पैलेट है वो कुछ ऐसे दिखता है एंड आई फील दिस इज अ परफेक्ट बिगिनर पैलेट. और मुझे इसका जो वर्सेटैलिटी है इसके वजह से ये पैलेट पसंद है, ताकि इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेड रेंज है, शेड जो है ना बहुत ही अच्छे से आप बिल्ड अप कर सकते. तो अगर आप कोई नए आई शेडो लुक्स को ट्राई कर रहे हो, अगर आपको डर लगता है कि आप मेस अप कर दोगे, देन दिस इज द बेबी टू गो फॉर. बहुत ही खूबसूरत सा शेड रेंज, ब्यूटीफुल कलर्स है जो आपको हाई एंड पैलेट में देखने को मिलता है. डेफिनेटली अ पैलेट वर्थ ट्राइंग. अगर आप आई शेडो के शौकीन हो तब मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी, या फिर आप बिगिनर हो, नए ट्राई करना चाहते हो एक साथ में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, तभी मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी. काफी सारे ब्रांड्स की फेस पैलेट है, मैंने पिक किया सिर्फ एक ही फेस पैलेट को क्योंकि मुझे उसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा. द मेबलिन मास्टर कॉन्टोर इन द शेड मीडियम टू डीप. अगर आप मेरे स्किन टोन से हो या फिर आप डीपर स्किन टोन से हो तो आप आंख मूंद के इसकी ओर जा सकते हो, क्योंकि जो एक कॉन्टोर शेड है ना, इट्स अ परफेक्ट कॉन्टोर शेड, इट्स अ ग्रे टोन कॉन्टोर शेड. प्लस ये जो ब्लश है मिडिल वाला, थोड़ा सा शिमरी है जरूर, पर ये बहुत ज्यादा चंकी नहीं है. इट विल जस्ट गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल इल्यूमिनेटिंग ग्लो. और ये गोल्ड हाइलाइटर बहुत ही ब्यूटीफुल है. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ इस पैलेट को यूज करके. मैं सारे लिंक्स, जितना भी सारे दुनिया भर का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. किसी लिप पैलेट को रेकमेंड करने वाली हूँ. ये जो लिप पैलेट है ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बिकॉज अगेन ऑफ द वर्सेटैलिटी, क्योंकि पिगमेंटेशन अच्छा है, कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है. एंड दिस इज द मेबलिन कलर कॉन्टोर लिप पैलेट. ये है इन द शेड रेंज ब्लश्ड बॉम्बशेल. और ये जो पर्टिकुलर शेड है ना, दिस इज अ परफेक्ट शेड फॉर समवन हु लाइक बेसिक कलर्स फॉर एवरीडे बेसिस. इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीची ब्राउन पिंक से लेके, वार्म ब्राउन से लेके, ब्यूटीफुल फ्यूजा पिंक से लेके और डीप रेड तक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है. साथ ही में एक लिप टॉपर भी है जो आप यू नो सॉर्ट ऑफ यू कैन यूज इट एज अ लिप हाइलाइटर टू. बहुत ही ब्यूटीफुली पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, दे आर ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल ऑन योर लिप्स एंड लॉन्ग लास्टिंग. डेफिनेटली अ पैलेट आई हाईली रेकमेंड. और मेरे लिए ये पहला लिप पैलेट है जो मैंने ट्राई किया है, तो ऑफकोर्स आई लव इट. पहले मैं बात करूंगी निका के न्यूयॉर्क का ये लिक्विड हाइलाइटर्स के बारे में. आई स्टार्टेड यूजिंग देम इन द ईयर 2018 एंड निका न्यूयॉर्क रेडियंट लिक्विड ग्लिटर्स एंड दिस ग्लिटर्स आर एब्सोल्युटली स्टनिंग. इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 250 या 300 रुपए के अंदर है एंड ये जो है ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके आईज के ऊपर अप्लाई हो जाती है. इसको अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह का ग्लू की जरूरत नहीं है, आप बस अप्लाई करो और उसको अलाउ कर दो सोखने के लिए एंड दैट्स इट. कहीं पर वो मूव नहीं होता है, बहुत सारे शेड में अवेलेबल है. अगर आपको किफायती नाम में अच्छे क्वालिटी का लिक्विड चाहिए, देन हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइस. नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी वो है ब्लू हेवन का सॉफ्ट
कोल काजल इन द शेड ब्लू. ये वाला जो पर्टिकुलर शेड है मेरी फेवरेट शेड है, फ्रॉम 60 रुपए में मिलता है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है. वैसे तो ये काला रंग और एक सी ग्रीन कलर में भी मिलता है, पर ब्लू वाला मेरा पर्टिकुलर फेवरेट है, तो इसीलिए मैं मेंशन करना चाहती थी इस वीडियो में. बात करूंगी कुछ असॉर्टेड लिप कलर्स जो मुझे 2018 में बहुत ही ज्यादा पसंद आया. मैंने सुपर मैट लिप लाइनर जो नए लॉन्च हुआ है, बहुत ही पिगमेंटेड है, सॉफ्ट है, आप लिपस्टिक की तरह यूज कर सकते हो. 12 शेड में आपको मिल जाएगा और पूरा सेट का प्राइस होता है अराउंड 250 रुपए आई थिंक. मैंने इसका फुल शेड का स्वॉचेस का वीडियो ऑलरेडी बनाया है मेरे चैनल में, आप वीडियो जाकर देख सकते हो. और डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम द ईयर 2018. वैसे मेबेलिन ने भी नया लिप लाइनर्स लॉन्च किया है और मैंने खुद खरीदा है उनका लिप लाइनर, वो है उसका कलर सेंसेशनल लिप लाइनर्स. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन एक्चुअली वेयर देम इन लिपस्टिक एंड दे डू नॉट स्मज आउट, दे विल जस्ट स्टे पुट ऑन योर लिप्स एंड दे आर ऑल्सो रियली रियली लॉन्ग लास्टिंग. मैंने खुद इन लिप लाइनर्स को ट्राई करके मेकअप ट्यूटोरियल किया है और आप लोग आर टू ऑफ द फेवरेट लिप लाइनर्स इन द ईयर 2018 अलोंग विद द मियॉन्स. लिपस्टिक के बारे आता है तो सबसे पहला लिपस्टिक जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है मेरी एब्सोल्यूट होली ग्रेल लिपस्टिक और वो है पर्सोनिका रेड लिपस्टिक. इसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती. अगर आप पुराना वाला बोलोगी वो या फिर नया वाला, दोनों का कलर एकदम सेम ही है एंड बस पैकेजिंग थोड़ा अलग है. इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और बिल्कुल भी ये पैची नहीं बनता है आपके लिप्स के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल. आप खाओ पियो कुछ भी करो, इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ, इट जस्ट स्टे पुट. जो भी आप खरीदो आई विल हाईली रिकमेंड दिस. अगर आपको 100 रुपये में दुनिया का मैं बोल दूंगी दुनिया का सबसे बेहतरीन रेड लिपस्टिक चाहिए जो आपके लिप्स में बहुत ही खूबसूरत एक रेड कलर दे, लॉन्ग लास्ट करे, ट्रांसफर प्रूफ हो, पैची ना बने, तो आप जरूर पर्सोनी के लिए चाहिए. इसके जो दो लिपस्टिक के बारे में मैं बात करूंगी वो है मेबेलिन का एक लिपस्टिक विच इज इन द शेड टोस्टेड ब्राउन. इट इज अ ब्यूटिफुल न्यूड कलर. ये मैंने 2018 में अपने लिए खरीदा. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रस्टिक ऑरेंज ब्राउनी कलर. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कलर. और मेबेलिन का जो ये पाउडर मैट वाला शेड है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये रेंज, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही कंफर्टेबल रेंज है. और इसी रेंज में एक और मेरे पास है शेड हनी चेरी. दिस हैज बीन अनदर ऑफ माय फेवरेट शेड. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ अ बेरी पिंक शेड जो कि एक परफेक्ट कलर होता है फॉर डे टू डे. ऑफ कोर्स आपके पास हमेशा एक रेड न्यूड पिंक होना चाहिए, तो इसीलिए रेड में पर्सोनी, पिंक में हनी चेरी फेंक दे रही थी मैं भी लिपस्टिक, और न्यूड में टोस्टेड ब्राउन. एक और न्यूड कलर के बारे में बात करूंगी जो मैंने हाल ही में ऐड किया है मेरे यू नो कलेक्शन में, लिपस्टिक कलेक्शन में, एंड दैट विल बी द कैट सूट मेगा लास्ट लिपस्टिक which is in the shade Give Me Mocha. This is such a ब्यूटिफुल कलर गाइज. इतना सुंदर न्यूड कलर मैंने देखा नहीं है. अगर आप मेरे स्किन टोन से हो, थोड़ा वर्म से हो, लाइट स्किन टोन से हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल वर्म पीची ब्राउन कलर देन गो फॉर दिस वन. पर हाँ, ड्रायर साइड में होगा क्योंकि ये लिक्विड मैट है. लिक्विड मैट थोड़ा सा ज्यादा ड्राई होता है, बट द कलर इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. सम ऑफ द लिपस्टिक्स व्हिच आई एब्सोल्युटली लव्ड. बात करूंगी क्विकली एक मेकअप ब्रश के बारे में, मॉर्फी का 702 ब्रश किट. इज लाइक द कंप्लीट पैकेज फॉर आई मेकअप. पर हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इससे सस्ता में ब्रशेस आराम से मार्केट में मिल जाएगी. अगर मेकअप करना आपकी पैशन है, आप कोई प्रोफेशनल हो और आप सच में बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ आई मेकअप ट्राई करना चाहते हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी पैकेज. इसमें आपको टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश से लेके, स्मज ब्रश से लेके, फ्लैट ब्रश से लेके, मतलब आपकी जिंदगी में जो आई ब्रश की कोई कमी होगी ना, वो सारी कमी को ये पूरा कर देगा. यू आर गोना फॉल इन लव, यू आर गोना फील complete with this brush kit lighter, and this is the Maybelline Master Chrome highlighter. You guys know how much we girls love highlighter, and Maybelline had launched the Master Chrome highlighter. और इसके बारे में क्या बोलना है, this just bling everything out and this is just ब्लिंग ब्लिंग ब्लिंग. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती. बहुत ह्यूज क्वांटिटी मिल जाएगा तो आपको जिंदगी भर लास्ट करेगा, अगर आप पूरा फेस पे लगा दोगे तब भी. फाइनली जो मैं बात करूंगी वो है कुछ इंटरेस्टिंग आई लैशेस, क्योंकि कई बार आप मुझसे पूछते हो कि सस्ते अच्छे क्वालिटी का आई लैशेस कहाँ पर मिलेगा. तो हाल ही में मैंने शेन से कुछ आई लैशेस ऑर्डर किया है, और शेन में ना आपको 140, 200, 150 रुपए में अच्छे खासे आई लैशेस मिल जाएगी. एंड दिस लैशेस आर डेफिनेटली माई फेवरेट लैशेस इन द ईयर 2018. आई फील दिस आर परफेक्ट, वेरी कंफर्टेबल, वेरी अफोर्डेबल. बस एक चीज याद रखो कि कोई शेन से आप ऑर्डर करोगे तो अगर सिर्फ दो लैशेस आप ऑर्डर करोगे तो आपका शिपिंग बहुत ज्यादा होगा. तो तभी आप ऑर्डर करो जब आप दूसरे सामान भी ऑर्डर कर रहे हो. सारे लैशेस चाहिए, देन दिस आर द लैशेस यू शुड गो फॉर. लैशेस लैश यू शुड, यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग.
बात करूंगी वो है गार्नियर माइसेला वाटर। वैसे तो मैं अपने पास बहुत सारे मेकअप रिमूवर रखती हूँ, क्योंकि तो गार्नियर माइसेला वाटर जब इंट्रोड्यूस हुआ, ये शायद मेरे ही बारे में सोच के इंट्रोड्यूस किया, इसको पता था कि मैं रोज आई मेकअप करती हूँ और मुझे रिमूव करने की जरूरत होता है, नहीं तो मेरा आई शायद किसी दिन निकल जाएगा। क्योंकि इससे जो है आप कोई भी किसी भी तरह का वाटर प्रूफ आई मेकअप को जस्ट इन सेकेंड्स यू कैन रिमूव इट एंड इट विल जस्ट कम आउट। प्लस इसमें माइसेलर वो ऑयल है, ऑयल जो होता है सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा होता है, तो अगर आप में से कोई हो जिसे सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव आईज है, तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। लास्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगी वो है स्टे क्विर्की का मैट लिक्विड आईलाइनर। अगर आपको एक परफेक्टली लॉन्ग लास्टिंग फुल मैट जेट ब्लैक आईलाइनर चाहिए, वो भी सिर्फ 170 रुपए में, देन दिस इज द बेबी टू गो फॉर। ये मेरा एक होली ग्रेल आईलाइनर है। बेस्ट पार्ट है कि आप जितना भी ग्लिटर कुछ भी आई शेडो पहनो उसके ऊपर भी ये आईलाइनर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लॉन्ग लास्टिंग और ब्राइट दिखता है। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग गुड मैट आईलाइनर from the Indian market। आपको इस वीडियो में ढेर सारे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में पता चला है जिसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे में जो थम्स अप वाला साइन है उस पे लाइक कर देना, और मैं आपसे मिलूंगी फिर से नए वीडियो के साथ। तक के लिए टेक केयर, बाय।